نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي قومي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وہی لام کان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے
इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी के बहुत सारे मराहिल से गुजरता है, उसमें
खुशी भी होती है, गमी भी होती है, तंगी भी होती है, आसानी और आसाइश भी होती है। जिंदगी के जिस मरहले से भी इंसान गुजर रहा हो, मुसलमान होने के नाते उसे शरीयत मुताहरा के अहकामात को सामने रखना चाहिए और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। अल्लाह करीम ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं जो बयक वक्त हमारे लिए इनाम भी हो सकती हैं, हमारे लिए जहमत भी हो सकती है। इनाम तब होती हैं जब उनको हम अक्ल व दानिश के जरिए इस्तेमाल करते हैं, और जहमत तब बनती है कि जब हम उनको इस्तेमाल करते वक्त अक्ल का सहारा छोड़ देते हैं, अपनी ख्वाहिशात और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए कोई फैसला कर बैठते हैं। उस वक्त वही शय जो अल्लाह ने हमारे लिए इनाम बनाई होती है वो जहमत बन जाती है। मसलन ये वक्त अल्लाह करीम की तरफ से इनाम है, और इतना बड़ा इनाम है कि अगर गुजर जाए तो वापस भी नहीं आता, एक मरतबा मिलता है। जिस तरह जवानी नहीं लौटा करती, गुजरा हुआ वक्त नहीं लौटा करता। हम जिंदगी के जितने अय्याम गुजार चुके हैं, दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वो अय्याम वापस आ जाए, न दौलत के जरिए, न इल्म के जरिए, न दुआ के जरिए। बस जो गुजर गया वो गुजर गया। अच्छा गुजरा तो रिकॉर्ड अच्छा मुरतब हो गया, बुरा गुजरा तो रिकॉर्ड बुरा मुरतब हो गया, लेकिन जो गुजर गया है वो अब रिकॉर्ड के अंदर है। और अगर हम वक्त अच्छी सोहबत में गुजार जाएं, अच्छे कामों में गुजार जाएं, वो वक्त हमारे लिए कीमती बन जाएगा और कयामत वाले दिन हमारे लिए नफा मंद होगा। अगर हम वक्त फजूलियात के अंदर बसर कर जाएं, बुरे लोगों की सोहबत में गुजार जाएं और बुरी मजलिसों के अंदर मशगूल रह के गुजार जाएं, वही वक्त कयामत वाले दिन हमारे लिए वबाले जान बन जाएगा। तो मतलब यह है कि वक्त एक ही चीज है, हम उसको कैसे गुजारते हैं। अगर अच्छे तरीके से गुजारें तो इनाम बन जाएगा, और अगर अच्छे तरीके से बसर न किया तो वही हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा, तकलीफ का सबब बन जाएगा। अल्लाह करीम ने दौलत अता की है, जो बंदा अपनी दौलत को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक बसर खर्च करे, सर्फ करे, इस्तेमाल करे, तो वो दौलत उसके लिए इनाम बनती है। अगर उसी दौलत को कोई बंदा अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तहत जरूरियात से हटके दीगर फजूल मामलात में खर्च करता है तो वही दौलत उसके लिए बबाले जान बन जाती है। मतलब यह है कि ये चीजें वो हैं कि जो हमारे लिए इनाम भी हो सकती है, जहमत भी हो सकती है। सिर्फ हमारे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि हम उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसी तरह से एक अल्लाह करीम ने हमें हथियार अता किया है हर बंदे को। वो हथियार इसलिए रब ने दिया है कि हम अपनी जात का दिफा कर पाए, हम अपने नजरियात का दिफा कर पाए, हम अपने अकायद का दिफा कर पाए, उस हथियार के जरिए हम अपने दीन का दिफा कर पाए। इस्तेमाल कब करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, और हमारी अकल का तकाजा है कि हम उसको कब इस्तेमाल करते हैं। हर बंदे के अंदर ये सलाहियत रखी है, और इसको अल्लाह करीम ने कहा कि ये गुस्सा है। यानी गुस्सा हर बंदे के अंदर ऐसा मादा रख दिया गया है कि अल्लाह ने तो हमें हथियार के तौर पर अता किया, अगर ये हमारे अंदर ना होता तो लोग हमें यूं ही ले ताड़ के चले जाते हैं। ना हमारी जात का दिफा हो सकता, ना नजरियात का, ना कौम और मिल्लत का, किसी सूरत में हम दिफा ना कर पाते। अल्लाह करीम ने ये चीज हमारे अंदर रखी है कि हम अपने आप की हिफाजत कर पाए, लेकिन ये हिफाजत तब होगी जब हम इसको जायज इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम इसी गुस्से का इस्तेमाल गलत कर जाए तो इसका एक फैसला हमारी नस्लों को उजाड़ के रख जाता है। जो आयत मैंने पढ़ी है इसके अंदर इस गुस्से पर काबू रखने वाले लोगों की तौसीफ और तारीफ बयान की गई है। वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, अल्लाह ने फरमाया गुस्से को पी जाने वाले लोग।
वलाफीना निन्नास। दूसरा इसका पहलू ये बयान किया, फरमाया लोगों को माफ कर देने वाले लोग, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाह ऐसे लोगों से प्यार करता है कि अगर कोई बंदा अपने गुस्से पे काबू पा ले, अपनी जज्बाती पर काबू पा ले, और शरीयत मुतारा ने हमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे को गुस्सा आए, अगर वो चल रहा है तो खड़ा हो जाए, रुक जाए, ठहर जाए। फरमाया अगर फिर भी गुस्सा है, बैठ जाए, गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ तो लेट जाए। इंसान को मिट्टी से बनाया, और जब इंसान मिट्टी से मस होता है तो उसका असर इंसान के जिस्म के ऊपर तारी होता है, और इंसान के जिस्म के अंदर वो ठंडक लौटाती है। एक और फॉर्मूला ये फरमाया अगर गुस्से के साथ जज्बात भड़क उठे तो फिर वुजू करो, वुजू करने से गुस्सा ठंडा हो जाता। एक और फार्मूला ये बयान फरमाया अगर गुस्सा ज्यादा हो जाए पानी पियो। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला ना आप फरमाती है सरकार को जब कोई परेशानी लायक होती या जेन की पर टेंशन आती, तकलीफ होती, गुस्सा आता, उस वक्त सरकार नमाज पढ़ा करती। हमारा दीन हमें वो तरीके बताता है कि जिन तरीकों पे अमल करके हम अपनी जिंदगी को भी पुरसकून बना सकते हैं और अपने साथ वाले लोगों की जिंदगी को भी पुरसकून बना सकते हैं। हमारे पूरे मुआशरे की जो कामयाबी है वो इसमें होती है कि घर पुरसकून रहे, और घर पुरसकून रहता है तो खानदान पुरसकून रहता है, मोहल्ला पुरसकून रहता है, शहर पुरसकून रहता है, मुल्क पुरसकून रहता है, पूरे मुआशरे के अंदर अमन आता है। लेकिन अगर हर घर के अंदर बेचैनी आ जाए, इस्तराबियत आ जाए, तकलीफ और परेशानी आ जाए, बेसकूनी आ जाए, तो जब घर में बेसकूनी हो तो उसके असरात खानदान पे जाएंगे, घर में बेसकूनी है उसके असरात दीगर फैमिली के लोगों के ऊपर जाएंगे। तो घर के सकून को कायम रखने के लिए शरीयत मुतारा ने खामन को कहा कि अपनी हद में रहे, औरत को कहा अपनी हद में रहे। हमने ये समझा है घर अच्छी खासी बिल्डिंग का नाम होता है, घर ये अच्छी खासी इमारत का नाम होता है। हमने ये समझा है कि अगर घर के अंदर एसी लगे हों, खूबसूरत टाइलें लगे हों, आला किस्म की सहूलियात मौजूद हो तो सुकून होता है, हालांकि नहीं होता। घर में अच्छे फर्नीचर से सुकून नहीं आता, अच्छे एसी लगने से सुकून नहीं आता, अच्छा जरूरियात जिंदगी मुयस्सर हो सुकून नहीं आता। घर में अगर सुकून आता है तो सिर्फ इस बात पे आता है कि बीवी का एतमाद खामन पे कायम रहे, खामन का एतमाद बीवी पे कायम रहे। और जिस वक्त इन दो अफराद के दरमियान एतमाद खत्म हो जाए तो फिर ये बेएतमादी के असरात औलाद तक जाते हैं, और अगर मियां बीवी की बेएतमादी के असरात औलाद के ऊपर पड़ने लगे घर का सुकून बर्बाद होता है, फिर वहां से तबाही शुरू होती है, फिर दीगर फैमिली के मेंबर पे जाती है, फिर पूरे खानदान के अंदर और पूरा मुआशरा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए इस पूरे मुआशरे की जो बुनियाद है वो ये है कि मियां बीवी अपनी अपनी हद में रहे, तब घर का सुकून रहेगा। और अल्लाह करीम ने दोनों के हुकूक को बयान कर दिया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता हूं अपने खामन को सजदा करता। ये खामन का हक है, खामन के हुकूक हैं। और औरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हुजूर ने फरमाया चार बंदे ऐसे हैं, इधर मरेंगे उधर सीधा जन्नत में चले जाएंगे। मैं चार अशख़ास ऐसे हैं कि मरने के साथ सीधा ही अल्लाह करीम उनको जन्नत अता फरमा देता है। और मैं पहला बंदा वो बंदा है
कि जो बंदा गुनाह करने के बाद तौबा करता है और तौबा इतनी पक्की करता है कि फिर उस गुनाह की तरफ उसका वापस जाना इतना मुश्किल है जितना थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में जाना मुश्किल है। इतनी पक्की और सच्ची तौबा अगर कोई बंदा करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा इधर मरेगा उधर सीधा जन्नत में चला जाएगा। दूसरा बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करने वाला, माँ और बाप दोनों की फरमा बरदारी, दोनों की ताबेदारी, दोनों की इत्तेबा करने वाला बंदा, ये वो बंदा है। क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माँ और बाप को राजी रखे और दोनों की फरमा बरदारी के अंदर जिंदगी गुजार के चला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधर मरेगा उधर जन्नत में चला जाए। और घर की औलाद के ऊपर गोया ये लाजिम होता है कि वो अपना ये किरदार अदा करें, इधर माँ की फरमा बरदारी करें, इधर बाप की फरमा बरदारी करें। शरीयत मुतारा बयान करती है, फरमाया हुक्म मानने की बात आए, तादीम और तौकीर की बात आए तो फिर बाप को प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर किसी के हुक्म मानने की बात आए तो सिर्फ माँ को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब ये हकूक दोनों के हैं लेकिन तादीम और तौकीर बाप की ज्यादा है और हुक्म के अंदर तादीम माँ को फकीयत दी गई है। तो जब औलाद इस तरीके को अपनाती है और शरीयत मुतारा के अंदर चलती है तो फिर यकीनन घरों के अंदर सुकून रहता है। अगर घरों के अंदर औलाद अपने माँ बाप के हुकूक अदा करती है फिर भी सुकून कायम है, माँ बाप अपनी औलाद के हुकूक अदा करते हैं फिर भी सुकून कायम है, खामन अपनी बीवी के हुकूक पूरे करता है फिर भी सुकून कायम है, और बीवी अपने खामन का हुकूक अदा करती है फिर भी सुकून कायम है। लेकिन अगर इन चीजों को हम छोड़ दें और हम अपने अपने हुकूक से हद से क्रॉस कर जाएं और अपने जो शरीयत मुतारा ने हमें पैटर्न दिया है उससे हम किनारा कशी कर जाए तो फिर कभी भी हमारे घरों में सुकून नहीं आ सकता। बिल्डिंगें जैसी मर्जी बन जाए, घर जैसे मर्जी आबाद कर लें, घरों के अंदर अमन और सुकून सिर्फ उसी वक्त आएगा कि जिस वक्त घरों के अंदर एतमाद की ये फिजा कायम रहेगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत जो इस हाल में मरती है कि उस पर उसका खामंद राजी हो, उसका खामंद खुश हो, फरमाया जिस औरत पर उसके मरते वक्त उसका खामंद राजी और खुश रहा हो वो औरत इधर मरेगी उधर जन्नत में चली जाएगी। हम अंदाजा फरमाए कि अपने घरों के अंदर बेचैनी और इस्तराबियत के माहौल में तब आते हैं जिस वक्त हम शरीयत के मसाइल को से पुश डाल देते हैं और उसके अंदर वलकाज़मीन अलगैज ये कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे टेंशन, बात बात पे मसाइल, जिस वक्त कोई बंदा जिंदगी गुजारता है उसे आसानी और मुश्किल हर एक से सामना होता है। अगर आसानी आए या मुश्किल आए दोनों सूरतों में एक दूसरे का सहारा बनने वाले लोग हमेशा हमेशा के लिए पुरसकून हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से फरमाया अगर तुम्हें गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ। हुजूर के एक सहाबी हैं, उन्होंने अपने बाग के अंदर पानी लगाया और वहां फसल बोई जा चुकी थी, नया नया पानी लगा था, प्यारों के अंदर पानी चल रहा था कि किसी बंदे ने उनके सामने उसके उस खेत के अंदर चलना शुरू किया, उसके कोई जानवर उसके अंदर घुस गए तो वो जिसके जानवर गए और जो बंदा खेतों में चल रहा था वो गैर मुस्लिम और यहूदी था। तो सहाबी को क्या हुआ कि उसने जब देखा कि मेरे खेत में नया नया पानी लगा है, नई फसल बोई गई है और ये बंदा और इसके जानवर इसको बर्बाद करके रख देंगे तो उसे तेज आई, वो गुस्से के आलम में दौड़ पड़ा उसकी तरफ, भाई मेरे फसल को बर्बाद कर रहा है। तो जब वो दौड़ा तो दौड़ते दौड़ते उसे हुजूर की हदीस याद आ गई। हम क्योंकि दीन को फकीयत नहीं देते ना, हम अपनी अकल को, अपनी दानिश को, अपनी मर्जी को तरजीह देते हैं। हम कहते हैं हमसे ज्यादा सयाना पैदा ही कोई नहीं। हम जब अपनी दानिश को तरजीह देते हैं तो उस वक्त हम मार खाते हैं, लेकिन जहां याद आए हुजूर का फरमान या अल्लाह का फरमान और वहां हम अपनी अकल को खत्म कर दें और वहां पे तरजीह दें शरीयत मुतारा को तो उस वक्त ये मसाइल पैदा ही नहीं होते। चलते चलते उसे याद आई,
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम्हें गुस्सा आए चलते चलते खड़े हो जाओ, अगर खड़े होने की सूरत में गुस्सा आए तो बैठ जाओ, बैठने की सूरत में गुस्सा आए तो लेट जाओ। उसे तेज था, उसे गुस्सा था, मेरी जमीन पर किसी ने जानवर छोड़ दिए, जमीन नहीं नहीं है, मैंने फसल भी नहीं आप बोई है, नया नया पानी लगाया है, सारी तबाही हो जाएगी, ये गुस्से का आलम। सिहाबी दौड़ के आए, लेकिन जो हुजूर का फरमान याद आया वहीं रुक गए, वहीं ठहर गए, खड़े खड़े याद आया, करीम ने फरमाया गुस्सा ठंडा ना हो तो बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। बैठे बैठे याद आया, हुजूर ने फरमाया गुस्सा ठंडा ना हो तो लेट जाओ, वहीं लेट गए। उनकी फसल के अंदर, जमीन के अंदर चलने वाला धंधा देख रहा है कि इंसान मेरी तरफ दौड़ के आ रहा था, दौड़ते दौड़ते एकदम रुक गया, पता नहीं क्या हुआ, रुकने के बाद बैठ गया, पता नहीं उसकी तबीयत खराब हो गई, बैठने के बाद लेट गया, शायद तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वही बंदा जो खेतों में चल रहा था वहां से बाहर निकला, उससे आदमी के पास आया, वो लेटा हुआ है जमीन के ऊपर, उसके पास बैठ के कहने लगा, जुनाबे वाला मैंने देखा है तुम बड़ी जल्दी में आ रहे थे, आते आते तुम रुक गए, खड़े होने के बाद तुम बैठ गए, बैठने के बाद तुम लेट गए, क्या तुम्हारी तबीयत एकदम खराब हो गई, तुम्हें हुआ क्या है? लेते हुए सहाबी ने जवाब दिया, उसने कहा नहीं नहीं मेरी तबीयत कोई खराब नहीं हुई, मसला ये हुआ मेरे खेत के अंदर जब तुम आए, तुम्हारे जानवर आए, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी, उस वक्त मेरी तबीयत के अंदर कबीजगी आई, गुस्सा आया, टेंशन बनी, मैं तेज के अंदर दौड़ा, मैं जाके तुमसे कोई हिसाब किताब करता हूँ, मामला तुमसे तय करता हूँ। लेकिन उस गुस्से के आलम में जब मैं दौड़ के आ रहा था, मुझे चलते हुए मेरे आका का फरमान याद आ गया, हुजूर का फरमान याद आया, जुई करीम का फरमान याद आ गया, मैं रुक गया, खड़े खड़े फरमान दोबारा जेल में दोहराया, तो फिर मैं बैठ गया, कि हुजूर ने फरमाया गुस्सा ठंडा ना हो तो बैठ जाओ, बैठा, फिर फरमान जेल में दौड़ा तो मैं लेट गया, मेरे करीम ने फरमाया अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो फिर लेट जाओ, मैं लेटा, मेरी तबीयत संभल गई, मैंने समझा कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, मैं सुकून में आ गया। यहूदी ने वहीं बैठे बैठे कहा, जिस दीन के अंदर इतनी बरकत रख दी गई है, उस खूबसूरत दीन में मुझे भी शामिल कीजिए। ये अंदाजा फरमाए कि इंसान अगर अपने जज्बात पे कंट्रोल करे, इंसान अपनी कैफियत पे कंट्रोल करे और कुछ देर के लिए सब्र का दामन थाम ले, तो नतीजा क्या निकलता है? अगर वो तय इसमें वहां तक पहुंच जाता, मारदार हो जाती, एक बंदा दो बंदे जख्मी हो जाते। ये 28वें रोजे की बात है, आप किसी के खंडी गांव का वाक्य नहीं, कि एक मुसलमान की बकरियां दूसरे मुसलमान के खेत में गई, उसने उठाई कुल्हाड़ी और उसके बार कर करके उसको मार के रख दिया। ये सी 28 रमजान की बात है। तो अब क्या था कि बकरियां कितना नुकसान कर लेती, लेकिन उसके बदले में गुस्सा आया, अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया और एक बंदे की जान चली गई। सिर्फ एक की जान नहीं गई, जिसने कुल्हाड़ी चलाई है वो जेल में चला गया, उसकी औलाद, उसके घर वाले नहीं टेंशन में आ गए। एक लम्हे की गेम थी, अगर वो इस हदीस को पेशे नजर रख के सबर कर जाता तो इस सारी मुसीबत से कौन बच जाता। इसी रमजान के गालबन 27वें रोजे की बात है कि पिशावर के अंदर नमाज तरावी के बाद, खत्म के बाद मिठाई तकसीम की जा रही है और बहस व तकरार इस पे हो गई कि मुझे मिठाई थोड़ी क्यों मिली, फलां को क्यों नहीं मिली, इस बात पे बहस हुई है। ये हमारी कौम का हाल कि फलां को मिठाई क्यों मिली, फलां को नहीं मिली, फलां को थोड़ी मिली, फलां को ज्यादा मिली, इस बात पे बहस व तकरार हुई। नौजवान घर गया, उसने पिस्टल उठाया और आके उस बंदे को फायर करके कत्ल कर दिया मस्जिद के अंदर। ये अमलन हमारे माशरे की कहानियां हैं और इसका असर सबब क्या है कि आदम बर्दाश्त यहां तक पहुंच चुकी कि हम मसले की नौयत को नहीं समझते और आगे उसके नतीजे की पर गौर ही नहीं करते और सीधा दे मारते हैं। ये जो हर रोज चौथे हर चौथे रोज ये जो हमारे सामने तमाशा लगा होता है, तीन तलाकें हो गई आप दोबारा कैसे बसाएं, ये इसी का नतीजा होता है।
यकदम तैश में आए, कोई गौर नहीं किया कि तलाक देने के बाद भी जिंदगी मैंने गुजारनी है। तलाक देते वक्त अगर सोच लिया होता ना कि मैंने भी अगली जिंदगी गुजारनी है, मेरे भी 3-4 बच्चे हैं, उनको भी बाप और मां के साए से महरूम नहीं करना और मैंने अपनी जिंदगी भी बसर करनी है, तो इतनी जल्दी ये 3 तलाकें ना होती। ये 3 तलाकें यकलक ये कौम इसलिए दे रही है, इधर गुस्सा आया और फौरन 3 फायर कर दिए, और करने के बाद जब हफ्ता 10 दिन गुजरे, दिमाग ठंडा हुआ, फिर समझ आई भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, नुकसान किसका किया, सबसे ज्यादा अपना किया, उसके बाद अपनी औलाद का किया, अपनी फैमिली का किया। तो ये चंद लम्हे पहले अगर सोच लिया होता कि मैं ये जो 3 तलाकें देने लगा हूं, अगर नौबत आ ही गई है तलाक देने की, तो फिर उस सूरत में दू ना जिस सूरत में शरीयत ने देने का तरीका बयान किया। हम जब दीन को तरजीह नहीं देंगे तो ऐसे ही मामला से हमें वास्ता पड़ेगा। एक सहाबी है हजरत ज़ैद बिन सुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आम आलिम नहीं थे, ये यहूदियत के बहुत बड़े आलिम जिनको अजल आलिम कहा जाता था वो थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए हिजरत करके, और हुजूर की निशानियां तो पहले किताबों में मौजूद है। ज़ैद बिन सुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान तो बाद में लाए हैं, वो निशानियां पढ़ने के बाद हुजूर की ज़ियारत करने के लिए आए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा, देखने के बाद फिर हुजूर की महफिल में आना जाना शुरू कर दिया, कलमा नहीं पढ़ा लेकिन मुलाकात करते, गलबात करते, कभी कभी आके बैठते भी। एक दिन ऐसा हुआ मेरे करीम गली में जा रहे हैं, हजरत अली बिन मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं, सामने एक बंदा आया, उसने आके कहा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तबलीग की, फलां कबीले के लोग ईमान लेके आए, मैंने उन्हें कहा था अगर तुम कलमा पढ़ लोगे अल्लाह तुम्हारा रिज्क वसी कर देगा। मैंने उन्हें ये कहा था कलमा पढ़ोगे मुसलमान हो जाओगे तुम्हारा रिज्क वसी हो जाएगा। कुदरत का करना ऐसे हुआ है कि उन्होंने कलमा पढ़ा है, बारिश नहीं हुई, लोग भूख से मरने लगे हैं, आप मेहरबानी फरमाए उनकी भूख का मदावा करने के लिए कोई मदद फरमाए। हुजूर ने हजरत अली से पूछा भाई कोई है पास, है कोई शय जो इनको दे। हजरत अली अल मुर्तजा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है जो इनको दिया जा सके या इनकी मदद की जा सके। ये ज़ैद बिन सोना जो थे ये यहूदी थे, ये उनके साथ साथ इसी कैफियत में रहते, वो अपना कुछ देखना चाहते थे। उन्होंने कहा जनाब अगर आप इनको कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझसे उधार ले लें, मैं उधार देता हूं वो आप उनको दें। अब एक यहूदी को क्या लगे कि मुसलमानों की मदद के लिए पैसा आगे करे, वो कुछ चेक करना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उधार ले लिया, उधार वापस करने से 3 दिन अभी बाकी थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में गए, जन्नतुल बकी में जनाजा पढ़ाने के बाद हुजूर फारिग हुए, ज़ैद बिन सोना आगे बढ़े और आगे बढ़ के हुजूर के दामन को इतने जोर से खींचा कि हुजूर को झटका आया और तेजी के साथ बातें करने लगे, कहने लगे कि तो आपने मुझसे कर्जा लिया है वापस नहीं किया, और बनू कुरैश और अब्दुल मुत्तलिब वालों की आदत ये रही है कर्जा देने के लेने के बाद ये वापस नहीं करते। जब इतनी सख्त बातें मेरे आका करीम से ज़ैद बिन सोना ने की, उस वक्त हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार के दस्ते पे हाथ रखा, तलवार लहराई, मेरे करीम ने रोक दिया। जो ही उन्होंने तलवार लहराई उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है तुम हुजूर से बात कर रहे हो, और यहाँ बात करने के लिए भी आकामात अल्लाह से लेना पड़ते हैं, यहाँ तमीज से बात करना पड़ती है, ये तुम्हें जरूरत कैसे हुई इतने तुरश अंदाज में हुजूर से गुफ्तगू करने की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम को मुस्कुराते हुए मुखातिब किया, फरमाया उमर तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बल्कि तुम्हारा काम तो ये था कि मुझे कहते या रसूल अल्लाह अगर इसका हक देना है तो वापस कीजिए, मुझे नसीहत करते और इसको क्या कहते। मेरे करीम ने फरमाया अगर इसे कहना था तो इसे कहते कि अच्छे तरीके से मुतालबा किया जाए, सबर के साथ रहो, ये तुम्हारा तरीका था, फौरन तुम्हारा हाथ तलवार के दस्ते पे नहीं जाना चाहिए। सईदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
आपने फरमाया घर से, हुजूर ने फरमाया हजरत उमर से, फरमाया इसे खुश करना है तो इसे उधार वापस करो। उधार हजरत उमर वापस करने लगे। जब उधार वापस हो चुका, हुजूर ने फरमाया 20 सा खजूरें इसे और इजाफी भी दो, 20 सा खजूरें इसे और दो। हजरत उमर ने पूछा भाई या रसूलल्लाह वो क्यों दें, उधार इसका वापस हो गया, अभी 3 दिन वैसे भी बाकी हैं, तो ये 20 सा खजूरें से ज्यादा क्यों दें। फरमाया जो इसे तकलीफ पहुंची है उसका मुदावा करने के लिए इसे वापस कर, जो इसे टेंशन बनी है उसका मदावा करने के लिए ये 20 सा खजूरे से और। हजरत उमर ने वो भी दी तो जैद बिन सोना ने पूछा ये इजाफी क्यों दे रहे हो, मेरा मुतालबा तो सिर्फ अपना था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया ये करीम ने इसलिए फरमाया है तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है उस वजह से हुजूर ने मदावे के लिए ये ज्यादा इजाफी खजूरे दिए। हुजूर हजरत फारूक आजम ने जैद बिन सोना से पूछा कि तुम जैद बिन सोना वही नहीं हो जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हो, उसने कहा मैं हुई हूं। हजरत उमर ने फरमाया भाई इतने बड़े आलिम होकर तुमने तो जाहिलों से भी नीचे की हरकत की है, तुमने देखा ही नहीं भाई हुजूर अपने गुलामों में खड़े हैं और तुमने उनके साथ ये सलूक किया, हालांकि अभी तुम्हारे उधार लेने के दिन वापस भी नहीं आए थे। जैद बिन सोना ने उस वक्त पर्दा उठाया, उसने कहा मैंने ये दानिश्ता किया, जान पूछ के किया, क्यों किया। उसने कहा मैंने पहली किताबों में पढ़ा था, हुजूर की निशानियां पढ़ी थी, बाकी सारी निशानियां मेरे करीम की पूरी थी, सिर्फ 2 निशानियां मैं देखना चाहता था। एक निशानी ये थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म उनके गजब पे हावी है, यानी उनका हिल्म उनके हजब के ऊपर हावी है, कभी ऐसा नहीं उनका मुसाया और कैदार फरमाए, बल्कि हमेशा हिल्म कैदार फरमाया, तहम्मुल कैदार फरमाया, बर्दाश्त कैदार फरमाया। और दूसरी निशानी ये थी कि जितनी जाहिलाना हरकत हुजूर के साथ की जाए, बदतमीजी भी की जाए, उतना हुजूर का हिल्म कम नहीं होता बल्कि बढ़ता चला जाता है। मैं ये 2 निशानियां देखना चाहता था, इसी वजह से मैंने ये हरकत की थी, इसी वजह से मैंने उधार दिया था, आज निशानियां पूरी हो गई, लिहाजा उमर आओ मेरे साथ, मैं भी हुजूर की गुलामी में आता हूँ। कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसखर इस तरह दुनिया सैयद अबरार ने कर ली। अगर इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, वला फीना अन नास, लोगों को माफ करे, माफ तभी करेगा ना जब गुस्से पे कंट्रोल करे। और तो और रहे नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते हैं, मैंने उसकी बायोग्राफी में पढ़ा कि नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी है, 27 साल। लेकिन उसके 2 वाकयात मैंने ऐसे पढ़े कि जिसमें हैरान कर दिया। पहला वाक्य तो ये था, वो कहता है कि जिस वक्त मैं मजलूमों का साथ दे रहा था, 14 साल मेरी जेल हो गई और एक कोठरी के अंदर मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी, तो मैंने अपने साथ वायदा कर लिया कि आप ऐसा करेंगे, सुबह मैं लिख के दे देता हूँ कि मैं इन कालों का केस नहीं लड़ता और मैं सरेंडर करता हूँ, मैं बकिया जिंदगी सुकून में गुजार जाऊंगा। कहते हैं मैं रात को ये सोच के और फैसला करके सोया कि मैंने 14 साल जेल में गुजार दी है, बकिया जिंदगी भी जेल में पड़ा रहूंगा, अगर मैं सरेंडर करता हूँ तो कम से कम मैं जेल से बाहर के अपनी आजाद जिंदगी गुजारूंगा। कहता है मैं ये सोच के फैसला करके सो गया, रात को एक खूबसूरत शख्सियत मेरे ख्वाब में आई और उसने आके मुझे बाजू से पकड़ा और उठाया। उसने कहा बड़ी जल्दी हौसला हार गए हो, तुमने सरेंडर नहीं करना, तुमने हुकूमत से मुआहदा नहीं करना, तुमने डटे रहना है, मैं तुम्हें गारंटी के देके जा रहा हूँ, तुम्हारी तहरीक के नारे लगेगी, गरीबों का केस तुम जीतोगे और तुम मुल्क के हुक्मरान बनोगे। क्या उसकी बातों में बला का सुकून था, खूबसूरत शख्सियत थी, मुझे हौसला पड़ा, मैंने ख्वाब में उनके साथ बात तय कर दी, भाई ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं।
उन्होंने आगे से जवाब दिया, मैं हुसैन इब्ने अली। तो मैंने कहा हुसैन इब्ने अली मुसलमानों के नबी के नवासे, मुसलमानों के इमाम, और मैं गैर मुस्लिम, और मुझे तसल्ली देने के लिए तशरीफ लाए। तो कहता है मुझे इमाम हुसैन ने फरमाया मजलूमों के हक में जहां भी कोई बंदा खड़ा होगा उस पे मेरा हाथ होगा। ये उसका वाक्य हैरान कर देता है। और दूसरा वाक्य जो मेरे मौजू से रिलेटेड है, बस वही बात करके मैं खत्म करता हूँ। दूसरा वाक्य उसका ये है, उसने कहा कि मैं जेल 27 साल जेल कटने के बाद वापस आया, मुल्क का हुक्मरान बना। जिस वक्त वो सदर था साउथ अफ्रीका का, उस वक्त अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो गया एक होटल पे खाना खाने के लिए। जब होटल पे खाना खाने के लिए वो सारे लोग बैठे तो दूर उन्हें एक बंदा नजर आया जो खाना खा रहा था। तो उस बंदे ने अपने गार्ड को भेजा, नेल्सन मंडेला ने, भाई इस बंदे को बुला के लाओ, उसे कहो हमारे साथ टेबल पे बैठ के खाना खाए। तो वो उसका सिक्योरिटी गार्ड गया और उसको जाके बंदे को बुलाया। वो आया, जिस टेबल पे ये लोग खाना खा रहे थे उसे भी साथ बिठाया और उसे कहा भाई साथ हमारे खाना खाओ। वो खा साथ खाना खाने लगा। अब एक तरफ वो बैठा है, एक तरफ नेल्सन मंडेला बैठा है, उसके बॉडीगार्ड बैठे हैं, उसकी सिक्योरिटी वाले लोग बैठे हैं। वो जब वहां बैठ के खाना खाने लगा तो उसको दोनों हाथ यूं करने लग गया। जितनी देर वो खाना खाता रहा उसके हाथों के ऊपर कपकपी तारी रही और उसके ऊपर अजीब सुरामी और खौफ की कैफियत तारी रही। जिस वक्त वो खाना खा चुका, नेल्सन मंडेला ने उसे कहा कि अब आप जा सकते हैं, आपका बिल हम अदा करेंगे। वो बंदा चला गया। वो जो पास बैठे थे उन्होंने कहा भाई इस बंदे को कोई बहुत सख्त किस्म की बीमारी थी, भाई इसके हाथ इतने जोर से कांप रहे थे और खौफ की कैफियत थी। तो नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, इसको कोई बीमारी नहीं थी, जब वहां खाना खा रहा था तब इसके हाथ कोई नहीं कांप रहे थे, जब यहां आया है तब कांप रहे थे। तो उन्होंने पूछा फिर राज क्या है। नेल्सन मंडेला ने कहा राज ये है कि जिस जेल में मैंने 27 साल काटे हैं उसका हेड ये था, 27 साल इसने मुझे मारा है, 27 साल इसने मुझे ऊपर जुल्म किया, और ये मुझे मारते मारते हत्ता कि जब मैं इस कैफियत में चला जाता कि मुझे प्यास तंग करती तो मैं इनसे पानी मांगा करता था और उस पानी के बदले में ये बंदा मेरे मुंह में पेशाब कर देता था। 27 साल इसने मेरे साथ ये सलूक किया। तो अब ये डर इसलिए रहा था कि मैं सदर बन गया हूं और अब मैं इस मनसब पे हूं, तो जब मैंने इसे पास बुलाया तो इसके जहन में ये था कि मैं शायद इससे इंतकाम लूंगा। लेकिन मैंने उसे फौरन पास बुला के खाना खिला के बिल की अदायगी की बात करके उसका वो सारा खौफ दूर करने की कोशिश की है कि ये अपने जेल से निकाल दे कि मैं इसका इंतकाम लूंगा। तो साथ वालों ने पूछा कि जब आपके पास ये मनसब आ गया और इस बंदे ने इतनी तजलील की है कि इसने आपके मुंह में पेशाब किया है फिर भी आप बदला नहीं लेना चाहते, इसकी वजह क्या है। जो नेल्सन मंडेला ने जुमला लिखा है वो मेरे और आपके लिए मिसाल रहा है। उसने कहा इंतकाम लेने वाले कभी कौम तामीर नहीं कर सकते। अगर आप अपनी कौम तामीर करना चाहते हैं फिर आप माफ करना सीखें। जिस दिन आपने माफ करना शुरू कर दिया उस दिन आप कौम तामीर कर लेंगे, और जिस दिन से आपने इंतकाम लेना शुरू कर दिया उस दिन से आप कौम को तकसीम दर तकसीम करते चले जाएंगे, आप कभी एक कौम नहीं बन पाएंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा मैं सदर इसलिए नहीं बना कि मैं अफ्रीका को मजीद तकसीम करूं, मैं सदर इसलिए बना हूं कि मेरा ये मुल्क एक कौम बन जाए, और कौम बनाने के लिए जरूरी है कि माफ किया जाए। अल्लाह करीम हमें हकायक की समझ नसीब फरमाए और मेरे इन चंद अल्फाज को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत नसीब फरमाए। अमा अलैना इल्लल्लाह।